हेलो दोस्तों, एवल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार बुरे लोग होते हैं उसी प्रकार दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। उसी तरह भूतों की दुनिया में बुरे सोल्स भी होते हैं, वहीं कुछ अच्छे सोल्स भी। बुरे सोल्स की कहानी तो आप लोगों ने बहुत बार सुन ली, पर आइए आज बात करते हैं एक अच्छे सोल की। एक ऐसी कहानी जिसमें कई बार एक आत्मा ने कई लोगों को अपने होने का एहसास दिलाया, पर किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हॉन्टेड टनल। शिमला एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन है और हर साल यहाँ बहुत लोग विजिट करते हैं, पर यहाँ ऐसी एक हॉन्टेड टनल है जिसमें भूत होने का दावा किया जाता है। टनल नंबर 33 एक बहुत लंबी टनल है, एक लॉन्गेस्ट टनल जो शिमला कालका रूट को जोड़ती है, और इस टनल को बारोक टनल भी कहते हैं, जिसको नाम 19वीं सदी के बाद मिला। टनल को क्रॉस करने में लगभग 2.5 मिनट लगते हैं। आइए पहले जानते हैं यहाँ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये टनल हॉन्टेड बन गई। दोस्तों, इस टनल को कर्नल बारोक नाम के व्यक्ति ने बनाया था, पर कर्नल बारोक ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट बेकार हो गया। दरअसल कर्नल बारोक ने माउंटेन के दोनों तरफ से खुदाई स्टार्ट कर दी टनल बनाने के लिए, पर बाद में पता चला कि ये दोनों टनल के पार्ट्स मैच नहीं करते थे। शुरुआत में कर्नल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और खुदाई चालू रहने दी, पर बाद में इन पार्ट्स में डिफरेंस क्लियर दिखने लगा और इसे ठीक करना बहुत जरूरी था। उधर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर्नल को वार्निंग्स दी कि अगर इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करा गया तो कर्नल को फाइन भरना पड़ेगा। साथ ही साथ कर्नल के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इसके बाद उसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने की उम्मीदें थी। इस टनल की इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कर्नल द्वारा बहुत कोशिशें की गई, पर यह प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो पाई। बाद में कर्नल को इसी गलती पर बहुत अफसोस हुआ कि उसकी मिसकैलकुलेशन के कारण टनल की अलाइनमेंट गलत हो गई। अब इस गलती की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बारोक को फाइन करने का फैसला सुना दिया था और वो इस डिसीजन से काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था। बारोक बहुत खुश था इस टनल के प्रोजेक्ट को पाकर, पर उसे ये बात कहां पता होगी कि ये प्रोजेक्ट उसका आखिरी प्रोजेक्ट होगा और वो भी इनकम्प्लीट रहेगा। डिप्रेशन में आकर बारोक ने अपने आप को इस टनल से पहले रेलवे स्टेशन पर शूट कर लिया, जिसे आज बारोक रेलवे स्टेशन कहते हैं। इस स्टेशन का नाम भी बारोक के मरने के बाद बारोक रेलवे स्टेशन पड़ा। जब तक लोग बारोक के पास पहुंचे, बारोक मर चुका था, पर उसकी आत्मा को शायद कभी शांति नहीं मिली। पर इस टनल के वर्क को अधूरा नहीं छोड़ा गया, टनल पर काम फिर से शुरू किया गया और फाइनली सितंबर 1903 में टनल बनकर तैयार हो गई। इस रेलवे स्टेशन पे बहुत किस्से फेमस है बारोक के, और उन्हीं में से कुछ किस्से आज हम आपको बताएंगे। एक हादसा यहाँ आने वाले टूरिस्ट के साथ हुआ, जब वो एक बार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन छूटने की वजह से रुक गया था, तो अचानक से एक आदमी आया और टूरिस्ट से बातें करने लगा। टूरिस्ट काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो बहुत देर से ठंड में अकेला बैठा था। तभी अचानक वो अनजान आदमी आया और उसने टूरिस्ट के साथ बातें शुरू कर दी थी। पहले हल्की फुल्की बातचीत हुई, उसके बाद टूरिस्ट ने बारोक रेलवे स्टेशन के बारे में पूछा कि इतना सुंदर रेलवे स्टेशन है और इतनी बड़ी टनल यहाँ कैसे बनी होगी। उस आदमी ने टूरिस्ट को बारोक स्टेशन के बारे में बताया कि कैसे ये टनल का निर्माण हुआ। टूरिस्ट उस आदमी की एज को देखकर अचंभित था कि इतना जवान व्यक्ति कैसे इतना सब जानता है, पर टूरिस्ट कुछ नहीं बोला। काफी देर बातचीत के बाद टूरिस्ट ने पूछा कि आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं, तो उस आदमी ने बोला, मैं वो हूँ जिसका नाम आपके पीछे लिखा हुआ है। और टूरिस्ट ने जैसे ही पीछे देखा तो वहाँ बारोक लिखा था, और वापस मुड़ा तो वो आदमी गायब हो गया था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जवान आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद बारोक ही था। एक और इंसिडेंट स्टेशन पर हुआ, जब एक छोटी बच्ची स्टेशन पर खो गई थी और उस बच्ची को बारोक ने खुद स्टेशन मास्टर को सौंपा था, और देखते ही देखते बारोक स्टेशन मास्टर के सामने से गायब हो गया था। कई लोग इसे स्टेशन मास्टर की आंखों का धोखा मानते हैं, वहीं कई लोग इसे सच। यूं तो कई लोगों ने बारोक की आत्मा को इस ट्रेन में सफर करते हुए देखा है, एक पैसेंजर के रूप में, जिसमें एक पैसेंजर सीट पर एक आदमी सफर करता है और अचानक से जैसे ही टनल क्रॉस होती है वो आदमी गायब हो जाता है। बहुत लोगों ने उसे बारोक की आत्मा ही माना है। कई लोगों ने इस टनल में से किसी के रोने की आवाज़ भी सुनी है, और बहुत लोग मानते हैं कि वो और कोई नहीं खुद बारोक ही रोता है। पर इसे कई इंसिडेंट्स के बाद फ्रेंडली घोस्ट मान लिया गया है, इसलिए बारोक से अब कोई नहीं डरता। पर आप सभी लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर ये फ्रेंडली घोस्ट है तो इस टनल को हॉन्टेड टनल क्यों कहते हैं। तो आपको बता दें कि असल में बारोक का घोस्ट फ्रेंडली घोस्ट है और सब उसे फ्रेंडली घोस्ट कहते हैं, पर लोगों को पहली बार जब ऐसा कुछ दिखता है तो वो डर जाते हैं।
पर जरूरी नहीं वो घोस्ट आपको डरा ही रहा हो। अब घोस्ट जब टूरिस्ट से मिला तो टूरिस्ट हिम्मत वाला था। जब अचानक से बारोक की आत्मा गायब हुई तो वो डरा नहीं, क्योंकि उस आत्मा की इंटेंशन टूरिस्ट को डराने की नहीं थी। अब आप भूत देखते हैं तो वो आप पर है कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि सारे घोस्ट एविल नहीं होते, कुछ घोस्ट अच्छे भी होते हैं, जैसे बारोक का। एक और अच्छी घोस्ट की बात याद आती है, जब आजतक टीम ने लोथियन सिमेंट्री में घोस्ट से बात की थी तो घोस्ट ने पैरानॉर्मल सोसाइटी के पर्सन को गॉड ब्लेस यू कहा था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर से देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सब लोग क्या मानते हैं बारोक स्टेशन के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जहां आपको रेगुलर मिस्टीरियस फैक्ट्स मिलते रहेंगे। हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।